हेलो गाइस, आज है 10 नवंबर 2019। 10 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कब विधिक सेवा दिवस मनाया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9 नवंबर। 9 नवंबर को कानूनी सेवा दिवस 2019 मनाया गया। कानूनी सेवा दिवस मनाने का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को निःशुल्क कुशल और कानून सेवाएं प्रदान करना है। इसी दिन 1995 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम लागू किया गया था। चलिए अब आपको नवंबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 5 नवंबर वर्ल्ड सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, 7 नवंबर को ही शिशु सुरक्षा दिवस, 9 नवंबर कानूनी सेवा दिवस। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें तथा साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में साइक्लोन बुलबुल से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। हाल ही में साइक्लोन बुलबुल से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य प्रभावित हुआ है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में गंभीर चक्रवात बुलबुल से निपटने के लिए कैबिनेट सचिव ने एनसीएमसी की बैठक की अध्यक्षता की। चलिए अब आपको उड़ीसा के बारे में बताते हैं। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल, कैपिटल है भुवनेश्वर, फर्स्ट सीएम है हरे कृष्णा मेहताब, फर्स्ट गवर्नर है सर जॉन एस्टन अब्बाग। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट 30। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक की बात करें तो चिल्का। स्टेट ट्री है पीपल फ्लावर है अशोका, एनिमल है सांबर, स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। क्लासिकल डांस है ओडिसी। नेशनल पार्क की बात करें तो चिल्का वाइल्ड लाइफ, नंदा कानन जूलॉजिकल। डैम्स की बात करें तो हीराकुंड और मंदिरा। मेन रिवर्स यहाँ की ब्राह्मणी और भार्गवी। उड़ीसा से सटे हुए राज्यों के बारे में बताते हैं तो मध्य प्रदेश है वेस्ट में, आंध्र प्रदेश है साउथ में, वेस्ट बंगाल है नॉर्थ ईस्ट में तथा झारखंड है नॉर्थ में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं उड़ीसा। ये मैप में उड़ीसा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संजय गुप्ता। गूगल ने संजय गुप्ता को अपना नया देश प्रबंधक और बिक्री और संचालन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह राजन आनंद की जगह लेंगे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये हैं संजय गुप्ता जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में स्कूलों में खेल मंत्री द्वारा आयोजित किए जाने वाले कौन से सप्ताह को सभी राज्यों में ले जाने की योजना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिटनेस वीक। हाल ही में स्कूलों में खेल मंत्री द्वारा आयोजित किए जाने वाले फिटनेस वीक सप्ताह को सभी राज्यों में ले जाने की योजना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपना देश इंडिया। 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी अपना देश भारत करेगा। 2023 में लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा खेल के शोपीस कार्यक्रम की मेज़बानी करने के लिए चुने जाने के बाद भारत लगातार दूसरी बार पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। 13 से 29 जनवरी 2023 तक भारत में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस वैज्ञानिक संस्थान ने अपने पहले इलेक्ट्रिक हवाई जहाज का खुलासा किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नासा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस ने हाल ही में अपने पहले इलेक्ट्रिक हवाई जहाज का खुलासा किया है। अंतरिक्ष में कई फ्लोरिडा लॉन्च किए गए कारनामों के लिए सबसे प्रमुख नासा ने कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में एरोनॉटिक्स लैब में X-57 मैक्सवेल को अपने पहले ऑल इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिक विमान के शुरुआती संस्करण का प्रदर्शन किया। चलिए आपको मैप इमेज में दिखाते हैं इलेक्ट्रिक हवाई जहाज। ये है मैप, आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा इलेक्ट्रिक हवाई जहाज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित मलनाड में बंदरों हेतु बनाए जाने वाली पार्क की
व्यवहारिता को लेकर पर्यावरणविदों के बीच संशय बना हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक सरकार। हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित मल्लाद में बंदरों हेतु बनाए जाने वाले पार्क की व्यवहारिता को लेकर पर्यावरणविदों के बीच संशय बना हुआ है। इसके अनुसार ऐसे पार्क से कसानूर फॉरेस्ट डिजीज के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। कसानूर फॉरेस्ट डिजीज को सामान्यतः मंकी फीवर के नाम से भी जाना जाता है। यह कसानूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस के कारण फैलता है। चलिए अब कर्नाटक के बारे में बताते हैं। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री HD कुमारस्वामी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री वजूभाई वाला। कैपिटल है बेंगलुरु। फर्स्ट CM है के चेंगलाराया रेड्डी। फर्स्ट गवर्नर हैं जया चमरा राजेंद्रा वडियार। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, टोटल लिस्टिक है 30। चलिए आपको स्टेट ट्री के बारे में आते हैं। सैंडलवुड फ्लावर है लोटस। एनिमल है एशियन एलिफेंट। स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। स्टेट डांस है यक्षगान, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के। नेशनल पार्क की बात करें तो नागरहोल, बंदीपुर, अंसी और बद्र टाइगर रिजर्व। डैम्स की बात करें तो तुंगभद्रा, कृष्णा राजा सागर। मेन रिवर्स है कावेरी, मांडवी, कृष्णा और तुंगभद्रा। कर्नाटक से सटे हुए राज्य के बारे में बताते हैं तो अरबियन सी है वेस्ट में, गोवा है नॉर्थ वेस्ट में, महाराष्ट्र है नॉर्थ में, तेलंगाना है नॉर्थ ईस्ट में, आंध्र प्रदेश है ईस्ट में, तमिलनाडु है साउथ ईस्ट में तथा केरला है साउथ में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं कर्नाटक का। ये आपको मैप में दिख रहा होगा कर्नाटक का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर ऋण नियमों का उल्लंघन करने पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेहसाणा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात के मेहसाणा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने यह जुर्माना बैंक द्वारा निदेशकों, रिश्तेदारों तथा उन कंपनियों या फर्मों को ऋण देने के लिए लगाया है जिनके साथ उसका हित जुड़ा है। रिजर्व बैंक ने 4 नवंबर 2019 को एक आदेश जारी करने के पर यह जुर्माना लगाया है। चलिए अब आपको RBI के बारे में बताते हैं। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं। ये 25वें नंबर के RBI के गवर्नर हैं। फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर KJ उदेशी। लोगों की बात करें तो पांथर एंड पाम ट्री है इसके लोगों में। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। RBI 1 रुपये के नोट्स को छोड़कर सारे नोट्स इशू करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही के ट्रेंड में यह देखा गया है कि सैकड़ों ट्विटर उपयोगकर्ता एक नई सोशल मीडिया साइट पर जाने लगे हैं। उस सोशल मीडिया साइट का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैस्टोडॉन। पिछले 24 घंटों में ट्विटर की तुलना में एक छोटी सोशल मीडिया साइट मैस्टोडॉन पर भारतीय यूजर्स की संख्या बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय हेगड़े के अकाउंट को ट्विटर पर बैन किए जाने के बाद ट्विटर यूजर्स ने 6 नवंबर से ट्विटर का 24 घंटे के लिए बायकॉट करने की मुहिम चलाई है। यह संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और इसके विरोध में लोग मैस्टोडॉन ज्वाइन करने लगे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ABLF ग्लोबल ACI पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुमार मंगलम बिरला। ABLF ग्लोबल ACI पुरस्कार के लिए कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया। कुमार मंगलम बिरला, जो आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं, ने ABLF ग्लोबल एशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए उनके व्यवसाय के लिए पदचिन्ह और उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्धता ने अंतर्राष्ट्रीय हित और ध्यान दिया है। ABLF की बात करें तो एशिया बिजनेस लीडरशिप फोरम इसका फुल फॉर्म है। चलते हैं आपको इमेज में दिखाते हैं। ये हैं कुमार मंगलम बिरला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पीयूष गोयल ने ब्राज़ीलिया में कौन से ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नौवा। पीयूष गोयल ने ब्राज़ीलिया में 9वें ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। चलिए अब आपको
ब्राज़ील के बारे में आते हैं। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रियाल। नेशनल डे 7 सितंबर। बिगेस्ट लेक लगाओ डोस पटोस। हाईएस्ट माउंटेन पिको डा नेब्लिना। नेशनल गेम की बात करें तो कैपोरिया। नेशनल एनिमल है मकाओ। फ्लावर है कॉर्सेग ऑर्किड। पार्लियामेंट नेम है नेशनल कांग्रेस। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी की बात करें तो ब्राज़ील देश है। पांचवा लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ब्राज़ील। ये है मैप में ब्राज़ील। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 8 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी। हाल ही 8 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी इवेंट का आयोजन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर्स एंड रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट ISRRT द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 2019 का थीम है स्पोर्ट्स इमेजिंग। इमेजिंग पेशेवरों की भूमिका जो खेल से संबंधित चोटों को पता लगाने, निदान तथा रोग का निदान और उपचार में भूमिका निभाती है, रोगियों की देखभाल और उपचार की गुणवत्ता को बढ़ाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने घाना को 30 मिलियन लाइन क्रेडिट दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्जिम बैंक। आयात निर्यात बैंक ने देश में पीने योग्य पानी परियोजनाओं के लिए घाना को $30 मिलियन की लाइन प्रदान की है। एक्जिम बैंक ने घाना के साथ एनडी घाना में पीने योग्य जल प्रणाली के पुनर्वास और उन्नयन के लिए 30 मिलियन लगभग 210 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन LOC के लिए एक समझौता किया है। चलिए अब आपको घाना के बारे में बताते हैं। घाना की कैपिटल है एक्रा। प्रेसिडेंट है नाना अकुफो-अड्डो। करेंसी है घानियन सेडी। नेशनल डे 6 मार्च। हाईएस्ट माउंटेन माउंट एफ-आर-डी-जोटो। लार्जेस्ट लेक है वोल्टा। नेशनल गेम है फुटबॉल। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं घाना। ये मैप में घाना। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में AAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरविंद सिंह। महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी अरविंद सिंह ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला AAI देश भर में 100 से अधिक हवाई अड्डों का मालिक है और उनका प्रबंधन करता है। इस नियुक्ति से पहले अरविंद सिंह महाराष्ट्र सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। इन्होंने महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम किया है। चलिए अब आपको इमेज में दिखाते हैं। ये हैं अरविंद सिंह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। साहित्य अकेडमी से सम्मानित किस लेखिका का हाल ही में निधन हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवनीता देवशन। साहित्य अकेडमी से सम्मानित नवनीता देवशन का हाल ही में कैंसर से निधन हो गया है। साहित्य अकेडमी के पुरस्कृत लेखिका नवनीता देवशन का निधन हो गया है। ये कवि, उपन्यासकार और लघु कथा लेखक देवशन ने अपनी पुस्तक नवनीता के लिए 1999 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता था। वह 2000 में पद्मश्री से भी सम्मानित की गई थी। ये पश्चिम बंगाल लेखक संघ की संस्थापक और अध्यक्ष भी रह चुकी थी। नवनीता देवशन की 1978 में लिखी पुस्तक बंगाल नक्सल आंदोलन अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी। चलते हैं आज के पहले, चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये थी नवनीता देवशन। चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। चलते हैं आज के आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। हिंदी की किस उत्कृष्ट साहित्यकार को वर्ष 2019 के लिए व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नसीरा शर्मा को। चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस पत्रकार का ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI कार्ड रद्द कर दिया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।